हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आयल्स बेबी कोट फ्री आयल्स क्लासेस। आई एम तनु बरमानी। आई एम एन आईडीपी सर्टिफाइड ट्रेनर एंड अ टेफल टेसोल सर्टिफाइड ट्रेनर टू। आई एम हैविंग अ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोफाइल। सो टुडे इज आर लाइव सेशन टू, व्हिच इज अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड पैराफ्रेजिंग इन योर रीडिंग एज वेल एज इन योर राइटिंग मॉड्यूल। सो अगर आपने हमारा सेशन 1 नहीं देखा है एंड यू रियली वॉन्ट टू नो हाउ टू एस आयल्स, हाउ टू एस रीडिंग मॉड्यूल, प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट सेशन एंड देन स्टार्ट विद द सेकेंड 1। ओके, सो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि हम कैसे पैराफ्रेजिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे कैसे हमें पैराफ्रेजिंग को फेस करना पड़ता है इन रीडिंग मॉड्यूल स्पेसिफिकली। सेकेंड थिंग, फॉर रीडिंग मॉड्यूल यू कैन डाउनलोड आर लेटेस्ट ईदर एकेडमिक और जनरल टेस्ट अनलिमिटेड। यू कैन सेलेक्ट आर प्लान, यू कैन बाय आर मेंबरशिप एंड देन यू कैन डाउनलोड मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट इन अ वेरी इजियर फॉर्मेट। यू कैन डाउनलोड द PDF, टेक आउट द प्रिंट आउट एंड प्रैक्टिस 2, 3 और 4 इन अ डे इफ यू रियली वॉन्ट टू एस आयल्स क्विकली। और सपोज इफ यू आर हैविंग एन एग्जाम इन द कमिंग वीक, देन यू कैन डाउनलोड मल्टीपल टेस्ट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। यू कैन बाय आर सब्सक्रिप्शन एंड देन टेक एन एडवांटेज ऑफ इट विद अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। ओके, सो हाउ टू अंडरस्टैंड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होता क्या है, व्हाट इज पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग इज दैट स्किल व्हिच मीन्स दैट यू हैव टू री राइट अ फ्रेज और अ सेंटेंस। जब आपको समझना होता है या लिखना होता है अपने राइटिंग मॉड्यूल में, क्या उसी सेंटेंस को दोबारा बट उसमें क्या ऐड करके, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट फ्रेजेस ऐड करके, दैट इज व्हाट पैराफ्रेजिंग इज। और ये चीज हम फेस अपने रीडिंग मॉड्यूल में भी करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन होता है एंड लाइक क्वेश्चन विद डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और पैसेज में हमारे स्टेटमेंट में अगेन डिफरेंट वर्ड्स होते हैं बट मीनिंग क्या होता है उनका, दोनों का सेम होता है। सो पैराफ्रेजिंग मीन्स जब आप अपने स्टेटमेंट को दोबारा से लिख रहे हो विद डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट सिनोनिम्स। सेम थिंग आप रीडिंग मॉड्यूल में भी फेस करते हो, स्पेसिफिकली जब आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिनोनिम्स कुछ दिए हैं पैराग्राफ में और आपको क्वेश्चन में कोई और सिनोनिम उसका दिया है, राइट? सो पैराफ्रेजिंग हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसे हमें लर्न करना चाहिए, जब समझना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, अपने आईएलटीएस के टेस्ट को दे रहे हैं। एंड इट इज वेरी क्रूशियल फॉर बोथ ऑफ योर राइटिंग एज वेल एज फॉर योर रीडिंग मॉड्यूल, राइट? बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग योर टेक्स्ट। हमारे टेक्स्ट को समझने में हमें बहुत हेल्प करता है। तो हम कैसे पैराफ्रेजिंग को समझेंगे, देर आर डिफरेंट मेथड विच वी आर गोइंग टू अप्लाई। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल इज गिवन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एग्जाम्पल 1 सेज पैराफ्रेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स टू लर्न बिफोर डूइंग योर आईएलटीएस टेस्ट। तो पैराफ्रेजिंग क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसको आपको लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए अपने आईएलटीएस टेस्ट देने से पहले, राइट? अब हम इसको पैराफ्रेज कैसे करेंगे, हम इसमें अगर हमें इसी स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है तो हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सी सी द पैराफ्रेज आंसर बिफोर टेकिंग द आयल्स टेस्ट। नाउ बिफोर डूइंग योर आयल टेस्ट वॉज इन द एंड, हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में वो एंड था, मैंने उसका ऑर्डर चेंज करके उसको फर्स्ट कर दिया। बिफोर टेकिंग द आयल्स टेस्ट मास्टरिंग पैराफ्रेजिंग। मास्टरिंग पैराफ्रेजिंग मीन्स दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जिसमें आपको मास्टर करना है। वो क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स टू डू। मोस्ट क्रूशियल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैंने क्या करा, 2-3 वर्ड्स को क्या करा, चेंज करा, उसमें सिनोनिम, उसमें वोकैबुलरी डाल दी, इम्पॉर्टेंट को क्रूशियल कर दिया, राइट? सो आपको क्या करना है, सेम टेक्निक यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई इफ यू रियली वॉन्ट टू एस आयल्स। अब हम इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दिस
पैराफ्रेजिंग विथ फाइव थिंग्स, फाइव मेथड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टार्ट यूजिंग सिनोनिम्स। जब हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स को ऐड करेंगे अपने स्टेटमेंट में और क्या करेंगे, पैराफ्रेजिंग करेंगे। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स मीन्स द डिफरेंट वर्ड्स जिनका मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, हम एक वर्ड का सिनोनिम जब लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मीनिंग तो सेम है बट हमने उसका क्या करा, डिफरेंट वर्ड लिख दिया, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम। जैसे एग्जाम्पल, मनी, मनी का सिनोनिम क्या है, कैश। अनदर सिनोनिम इज फंड्स, राइट। सो मनी की जगह अगर हम कैश लिखेंगे, इट मीन्स द सेम कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, फंड्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज अ सिनोनिम। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, लेथार्जिक मीन्स टायर्ड, ड्रेन्ड हो जाना, टायर्ड हो जाना, सो इट्स अ सिनोनिम फॉर दैट विद द सेम मीनिंग, जिसका सेम मीनिंग हो। सो बाय यूजिंग दीज सिनोनिम्स आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो कुछ वर्ड्स को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। फोकस ऑन दिस पॉइंट कि आपको सिनोनिम्स ऐड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप मीनिंग तो चेंज नहीं कर रहे ना, मीनिंग हैज टू बी सेम। अगर मीनिंग आपने चेंज कर दिया तो दैट मीन्स आपने उस सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज कर दिया, राइट, एंड यू विल बी पीनलाइज फॉर दैट, तो वो आप नहीं कर सकते। नाउ टेक वन एग्जाम्पल ऑन माई स्क्रीन, सी इट, वी आर हेडिंग टू द डिज्नीलैंड फॉर अ वेल डिजर्व्ड हॉलीडे। हम कहाँ जा रहे हैं, हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, फॉर अ वेल डिजर्व हॉलीडे। अब आपको इसको पैराफ्रेज करना है। हेडिंग, वी आर हेडिंग, हेडिंग इज लाइक जाना, हेडिंग टूवर्ड्स दैट, सो हेडिंग को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ट्रैवल, ट्रैवलिंग से, राइट। अब कहाँ जा रहे हैं, हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं, किस चीज के लिए, वेल डिजर्व हॉलीडे के लिए। सो वेल डिजर्व को मैंने क्या लिखा, हार्ड अर्न, हॉलीडे को वेकेशन। सो दैट मीन्स आपने क्या करा, आपने अपने सेंटेंस को रीराइट करा, रिप्लेस करा विद ओनली एडिंग सिनोनिम, नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, नॉट चेंजिंग द ऑर्डर ऑल्सो। दैट इज दैट द की इज दैट यू शुड मेक श्योर कि आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए उन एड्स वर्ड्स को ऐड करने से। गॉट इट? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल फॉर सिनोनिम्स पार्ट। माई कार नीड्स पेट्रोल। अब मैं इसमें क्या क्या सिनोनिम ऐड कर सकती हूँ? फर्स्ट वन, माई विल रिमेन माई। कार को मैंने क्या चेंज करा, व्हीकल। नीड्स रिक्वायर्स, पेट्रोल फ्यूल। सो एज यू कैन सी कि मैंने चार में से तीन वर्ड्स को यहाँ पे क्या करा, रिप्लेस कर दिया विद द सिनोनिम, और मैंने क्या बनाया, अपना एक न्यू सेंटेंस बनाया बट विद द सेम मीनिंग। सो यू विल ऑल्सो नोटिस कि क्या क्या वर्ड्स आप रिप्लेस कर सकते हो, आप उनको रिप्लेस करो और उनसे क्या बनाओ, एक न्यू सेंटेंस बनाओ विच इज कॉल्ड एज पैराफ्रेजिंग। बट आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, वायलेंट क्राइम इज ऑन द राइज अमंग टीनेजर्स। अब टीनेजर्स की बात हो रही है, राइट, बी स्पेसिफिक अबाउट टीनेजर्स एंड राइटिंग एडल्ट्स, कि एडल्ट्स का एज ग्रुप क्या होता है, टीनेजर्स का एज ग्रुप क्या होता है। रिमेंबर टू राइट योर सिनोनिम्स वेरी केयरफुली। वायलेंट ऑफेंसेस, क्राइम मीन्स ऑफेंस, आर राइजिंग अमंग एडोलेसेंट्स। सो एडोलेसेंट्स आर द पीपल, आर द टीनेजर्स व्हिच इज एज्ड फ्रॉम 13 टू 18। सो राइट योर वर्ड्स अकॉर्डिंगली, अपने सिनोनिम्स को बहुत चेक करके कि यस आई एम राइटिंग इट करेक्टली और नॉट। थर्ड वन, ग्लोबल वार्मिंग इज मोस्टली कॉज्ड बाय द एमिशंस फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, किसके थ्रू होती है, कंबशन ऑफ इंजन के थ्रू होती है, जो भी उनके थ्रू बहुत सारा फ्यूम्स निकलता है उन चीजों के थ्रू होती है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन क्लाइमेट, इज मेनली कॉज बाय व्हाट, रिलीज ऑफ फ्यूम्स फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। क्योंकि इंजन में से जो निकल के आता है फ्यूम्स, उसको क्या बोलते हैं, कंबंशन ऑफ इंजन, राइट। सो फ्यूम्स फ्रॉम मोटरसाइकिल। सो आई हैव चेंज, आई हैव एडेड फ्यू वोकैबुलरी, फ्यू सिनोनिम्स
एंड आई हैव रिक्रिएटेड माई सेंटेंस. गॉट इट? लेट्स लुक एट द सेकेंड वन. सेकेंड वन सेज चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर. जब आपको क्या करना है, अपने वर्ड के ऑर्डर को चेंज करना है. नाउ इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर योर पैराफ्रेजिंग. इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी वर्ड को ऐड कर सकते हो, किसी वर्ड को हटा सकते हो या किसी वर्ड को चेंज कर सकते हो. नाउ टेक एन एग्जाम्पल. वी आर फैमिश्ड. फैमिश्ड मीन्स रियली हंग्री एंड वुड लाइक टू क्विकली हेड टू द चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर डिनर. अब हम बहुत ज्यादा हंग्री है, हमें क्या करना है, क्विकली कहाँ जाना है. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, दैट मीन्स वी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द चाइनीज रेस्टोरेंट, जा रहे हैं डिनर के लिए. सो हाउ यू आर गोइंग टू, अब नाउ सी वॉट यू आर गोइंग टू चेंज हियर. आप क्या क्या वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, राइट? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ योर वर्ड, यू हैव टू चेंज इट. अब पहले हमने बात करी थी कि हम बहुत ज्यादा फैमिश्ड हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं डिनर के लिए. अब हम पहले बात करेंगे कि हम जा रहे हैं चाइनीज रेस्टोरेंट क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा हंगरी है. सो वी आर रशिंग टूवर्ड्स द चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर डिनर बिकॉज वी आर फैमिश्ड. हम क्या हैं, बहुत ज्यादा फैमिश्ड हैं. सो यू हैव चेंज द ऑर्डर. आपने आगे से पीछे और पीछे से आगे क्या करा, अपने वर्ड्स के ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. बट मेक श्योर इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल. एज लॉन्ग एज लैंग्वेजेस सच एज स्पैनिश, चाइनीज एंड इंग्लिश बिकम मोर वाइडली यूज, देयर इज अ फियर दैट मेनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस मे डाई आउट. अब लैंग्वेजेस की बात हो रही है, जैसे कि चाइनीज, स्पैनिश एंड इंग्लिश बहुत वाइडली यूज होती है, राइट? तो एक फियर है कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस क्या है, खत्म ना हो जाए, दे मे डाई आउट. अब आपको वर्ड ऑर्डर चेंज करना है, तो एंड ऑफ द सेंटेंस विल बी इन द फर्स्ट एंड द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस विल बी इन द एंड. देयर इज अ फियर, देयर इज अ फियर दैट मेनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस मे डाई आउट एज लैंग्वेजेस सच एज स्पैनिश, चाइनीज, इंग्लिश बिकम मोर वाइडली यूज. तो आपने क्या करा, वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग. थर्ड स्किल्स विच यू हैव टू अप्लाई, थर्ड टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग इज चेंजिंग द वर्ड फॉर्म. जब आप क्या करो, वर्ड की फॉर्म को चेंज कर सकते हो. फर्स्ट वॉज, फर्स्ट किसकी बात करी थी हमने, सिनोनिम की, जब हम सिनोनिम्स को ऐड करते हैं. सेकेंड, जब हम वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. और थर्ड क्या था, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड फॉर्म को चेंज कर देते हैं. सो वर्ड फॉर्म को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्वैप करना होगा नाउन को वर्ब्स में और वर्ब्स को एडजेक्टिव्स में. फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम ये, सी मेनी चिल्ड्रन आर टेरिफाइड ऑफ एंटरिंग द स्पूकी हाउस अलोन ड्यूरिंग हेलोवीन. अब बहुत सारे चिल्ड्रन है, बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो, है ना, जब वो स्पूकी हाउस के अंदर जाते हैं हेलोवीन के टाइम पे. सो अब आपको क्या करना है, आपको वर्ड की फॉर्म को चेंज करना है. अब यहाँ पे क्या है, एंटरिंग है, एंटरिंग को कर दिया एंटर. टेरिफाइड को चेंज करेंगे, स्पूकी को चेंज करेंगे, अलोन को चेंज करेंगे, जो जो वर्ड्स आपको लगता है कि यस आई कैन चेंज इट. सो मेनी चिल्ड्रन आर नॉट ब्रेव इनफ. नॉट ब्रेव इनफ इज लाइक वो बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं है, डरते हैं, राइट? टेरिफाइड मतलब डरना, नॉट ब्रेव मतलब कि वो ब्रेव नहीं है, डरते हैं. टू एंटर, एंटरिंग को क्या करा, एंटर कर दिया. स्पूकी हाउस को फ्राइटफुल लुकिंग, डरावना घर, राइट? उसको क्या कर दिया, फ्राइटफुल लुकिंग हाउस बाय देमसेल्व्स ड्यूरिंग द हैलोवीन. सो अब हमने क्या करा, वर्ड्स की फॉर्म को चेंज करा, ऑर्डर को चेंज नहीं करा, वर्ड्स को चेंज करा है, उनकी फॉर्म्स को चेंज करा है, नाउन को वर्ब्स में, वर्ब्स को एडजेक्टिव्स में, जो भी रिक्वायर्ड आपको लगे आप उसको चेंज करके क्या कर सकते हो, अपनी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. लॉन्गर लाइफ स्पैन्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द हेल्थ ऑफ ओल्डर पीपल सजेस्ट दैट पीपल ओवर द एज ऑफ 65 कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू लाइफ फुल एंड एक्टिव लाइफ. अब इसमें भी आपको क्या करना है, आपको वर्ड फॉर्म को चेंज करना है. नाउ हियर सी, सजेस्ट हैज बीन चेंज टू आर सजेस्टिंग. लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द हेल्थ ऑफ ओल्डर पीपल आर सजेस्टिंग दैट पीपल ओवर द एज ऑफ 65 कैन कंटिन्यू
लिविंग फुल एंड एक्टिव लाइफ. तो मैंने यहाँ क्या करा है, टू वर्ड्स को चेंज करा है, सजेस्ट को आर सजेस्टिंग में और लिव को लिविंग, राइट. तो आपको सिर्फ अपनी वर्ड की फॉर्म को चेंज करना है फॉर एन इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग. थर्ड स्किल विच वी कैन अप्लाई इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस. जब आप क्या करोगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे. सो यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ये आप कैसे कर सकते हो, बाय आइडेंटिफाइंग द सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्लेसिंग इट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, रिमूव द एक्शन एंड देन चेंज द वर्ब फॉर्म. आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है, राइट. हाउ विल यू डू, रीड द एग्जाम्पल फर्स्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द मैगजीन्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, मैगजीन को रीड करते हैं. अब द मैगजीन्स आर बीइंग रेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट जो आपका लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस था उसको आप बिगनिंग में ले गए और बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस को आप क्या करा, एंड में ले आए बाय चेंजिंग द वर्ब फॉर्म ऑल्सो. आपको क्या करना है, सी यू हैव री रिटन इट बाय मेकिंग द सेंटेंस बाय प्लेसिंग द मैगजीन एट द बिगनिंग. आपने मैगजीन को बिगनिंग में रखा और रिमूव करा एक्शन को रीडिंग से और उसकी फॉर्म को क्या करा, चेंज कर दिया. सो द मैगजीन्स आर बीइंग रेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल सेज प्रॉपर्टी डेवलपर इन्वेस्टेड 20 मिलियन इन द डेवलपमेंट ऑफ द शॉपिंग सेंटर. अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट को एंड में लाना है एंड द एंड पार्ट को फर्स्ट में लाना है. सो 20 मिलियन वॉज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ शॉपिंग सेंटर्स बाय द प्रॉपर्टी डीलर्स, राइट. सेकेंड वन, द सर्वर ब्रॉट अस आर ऑर्डर. आर ऑर्डर वॉज ब्रॉट टू अस बाय अ सर्वर, राइट. तनु वर्मानी इज टीचिंग यू आइल्स. आइल्स इज बीइंग टॉट बाय तनु वर्मानी, राइट. सो यू कैन यूज द एक्टिव पैसिव वॉइस ऑल्सो टू मेक योर पैराफ्रेजिंग इफेक्टिव. फिफ्थ मेथड विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इज चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर. जब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो बट उसके मीनिंग को आपने कभी चेंज नहीं करना. मेक दिस पॉइंट डीप डाउन दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि आप कभी भी अपने मीनिंग को चेंज नहीं करते पैराफ्रेजिंग को. आप अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ड, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर या वर्ड्स को चेंज करते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन देयर टेस्ट बिकॉज दे डू नॉट पुट इन द हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इनफ. सो यू कैन सी कि टू क्लॉजेज है यहाँ पे, मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन देयर टेस्ट एंड सेकेंड क्या है, बिकॉज दे डू नॉट पुट इन द हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इनफ. सो आपको क्या करना है, दोनों को स्वैप करना है. तो आप स्वैप कैसे करोगे, नॉट वर्किंग हार्ड एंड प्रैक्टिसिंग इनफ आर द मेन रीजन वाई स्टूडेंट स्ट्रगल्स इन देयर टेस्ट. तो दिस इज कॉल्ड चेंजिंग द सेंटेंस. आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करा, राइट. जब आपके पास दो सेंटेंसेस हैं तो आपने, सॉरी, वन सेंटेंस है एंड टू क्लॉजेस आर देयर, तो आप उसे कैसे स्वैप करोगे, राइट. नॉट वर्किंग हार्ड एंड प्रैक्टिसिंग इनफ आर द मेन रीजंस व्हाई स्टूडेंट स्ट्रगल इन देयर टेस्ट. सो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट लॉस्ट बट द स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड. दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. पैराफ्रेजिंग मेथड आपको हेल्प करता है आइल्स में, अगर आप उसे प्रैक्टिस करोगे. राइटिंग में आपकी बहुत हेल्प होगी, रीडिंग में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. जब आपको लॉन्ग पैसेजेस मिलते हैं और आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाते सेम वर्ड्स के थ्रू, अपने कीवर्ड्स के थ्रू, बिकॉज आपको सिनोनिम नहीं पता होता, आपको टेक्निक नहीं पता होती पैराफ्रेजिंग की, राइट. यू कैन यूज दीज मेथड इंडिविजुअली, आप उसे कंबाइन भी कर सकते हो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर योर वर्किंग. जब हम राइटिंग मॉड्यूल आई बी डिस्कसिंग तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप राइटिंग में इसको कैसे हेल्प कर सकते हो. बट दिस इज द वे, जब आप समझो कि आपको रीडिंग मॉड्यूल में इसको कैसे हेल्प आउट करना है. आई होप दिस वॉज एन इफेक्टिव सेशन. मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी पैराफ्रेजिंग में, कैसे 5 स्किल्स के थ्रू आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो. बट आई मस्ट से, अगर आपको हमारी एप्लीकेशन और हमारे फ्री लाइव सेशंस अच्छे लगे हैं, इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर विद अदर्स सो दैट वी कैन हेल्प एवरीबडी इन दिस फ्री एजुकेशन कैंपेन एंड एवरीबडी कैन लर्न अबाउट आइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट आवर ऐप.
एंड बाय द मेंबरशिप ऑल्सो इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट अनलिमिटेड एक्सेस. यू कैन डाउनलोड आर लेटेस्ट रीडिंग टेस्ट. स्टेप 1, यू कैन गो टू आर दिस एप्लीकेशन, गो टू द होम पेज, क्लिक ऑन द रीडिंग प्रैक्टिस, राइट? यू विल हैव एन ऑप्शन हेयर, रीडिंग प्रैक्टिस. ओपन द रीडिंग प्रैक्टिस एंड देन यू विल हैव एकेडमिक एंड जनरल टेस्ट. आपको वहां दोनों दिखेंगे, उसको आप ओपन करोगे, देन हेयर यू विल सी कि आपको साइट पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का. आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और अनलिमिटेड प्रिंटआउट्स निकाल सकते हो. अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, इफ यू रियली लाइक माई सेशन, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन. डू रेटिंग अस. इफ यू हैव एनी डाउट्स, ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द सेक्शन बॉक्स. आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू टू एस आइल्स, एंड इट विल ऑल्सो लेट मी टू इम्प्रूव ऑल्सो. कि अगर आपको कोई भी न्यू आइडिया चाहिए या समथिंग न्यू यू वॉन्ट मी टू डिस्कस, आप उसको भी लिख सकते हो कॉमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है? आई विल ट्राई टू क्रिएट अ सेशन ऑन दैट एंड आई विल पोस्ट इट. बट डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक. यू कैन सी ऑन आर ऐप, यहाँ पे आपको सेशंस दिखेंगे, लाइव सेशंस. वहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो, रेटिंग दे सकते हो स्टार्स के साथ, राइट? सो गो अहेड एंड डू दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर सेशन. दिस इज सेशन नंबर 2. प्लीज वॉच सेशन नंबर 1 ऑल्सो बिफोर गोइंग फॉर सेशन 2. दैट इज वेरी क्रूशियल. अगर आप सेशन 1 पहले देखो एंड देन सेशन 2, ओके? सो इन माई ऑल आयल्स वीडियो सेशन, वट पर्टिकुलर आई एम अप्रोचिंग इज दैट हाउ यू कैन एक्सेल, हाउ यू कैन एस योर आयल्स एग्जाम क्विकली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू सून फॉर द नेक्स्ट सेशन. बाय.